लेट्स लुक एट एन अनदर एग्जाम्पल ये रीऑर्डर पॉइंट कंट्रोल सिस्टम का uh, इसके अंदर हम ये चीज़ पहले उसमें नहीं पता थी कि स्टॉक आउट कॉस्ट क्या है लेट से अब हमारे हमें पता है लेट से कि स्टॉक आउट कॉस्ट क्या है तो अगर स्टॉक आउट कॉस्ट हमें पता हो तो उस केस के अंदर ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होना चाहिए और ऑप्टिमम सर्विस लेवल क्या होना चाहिए पी इन स्टॉक प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए ये हमने डिटरमिन करनी होती है और इसको हम इटरेटिव मेथड से करते हैं अब बार बार रिपीट करते हैं जब तक ये इम्प्रूव कर कर एक आंसर के ऊपर ना आ जाए इसके अंदर क्यू जो है वो हमने ईओक्यू क्यू से पहले डिटरमिन करते हैं और फिर उसके अंदर पी को इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि क्यू और पी इंटर रिलेटेड हैं Uh, तो उसको हम करके फिर Q की वैल्यू यूज़ करेंगे और Q की वैल्यू के बेस पर P करेंगे एंड सो ऑन अंटिल वी फील नो चेंज इन दीज टू वैल्यूज Q एंड P और वो हमारी फाइनल वैल्यूज़ होंगी तो इसके अंदर जैसे मैंने कहा इनिशियली वी सॉल्व फॉर Q एंड Q इज़ इक्वल टू टू डी एस ओवर आई सी और क्यू uh, की वैल्यू आएगी तो उससे हमने पी की वैल्यू यूज़ करनी है पी इज इक्वल टू वन माइनस क्यू आई ओवर डी के दिस इज केस बैक ऑर्डर अगर अलाउड हैं, तो ये होगा बैक ऑर्डर क्या होते हैं कि आपने ऑर्डर प्लेस किया आपने कहा कि ये मुझे माल चाहिए आ, पांच दिन के बाद उन्होंने कहा कि नहीं ये हम इसको बैक ऑर्डर कर रहे हैं हम पांच दिन हम आपको पंद्रह दिन के बाद ये सप्लाई कर रहे हैं और अगर आप वो बात मान जाते हैं तो दैट मीन्स बैक ऑर्डर आर अलाउड तो उस केस के अंदर हमने ये फार्मूला यूज करना कि बैक ऑर्डरिंग अलाउ की हुई है और अगर बैक ऑर्डर अलाउड नहीं है दैट मीन्स कि आपने उनकी बात नहीं मानी और आप किसी और के पास चले गए परचेस करने तो उस केस के अंदर वो जो पार्टी थी जिसके पास पहले आप गए थे वो उनकी सेल लूज हो गई है तो इन दैट केस देन वी विल यूज िस फॉर्मूला टू कैलकुलेट पी विच इज वन माइनस क्यू आई सी डिवाइडेड बाई डी के प्लस क्यू आई सी है मॉडल बट उसके अंदर थोड़ा सा हमने चेंज करके वो हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो हमने विच वॉज बेसिकली एस उसके अंदर हमने एक और एड uh, कर दिए एंड दैट इज बेसिकली योर लॉस्ट सेल्स कॉस्ट के एस प्राइम डी ई जी दैट इज योर जो स्टॉक आउट कॉस्ट है वो उसके अंदर हमने इंक्लूड कर दी है ऑर्डरिंग कॉस्ट के साथ ये भी होगी अगर स्टॉक आउट होता है तो उसकी कॉस्ट भी वो इनकर कर रहे हैं हर ऑर्डर के अंदर कितना हम करते हैं तो उस बेसिस के ऊपर हमने क्यू फाइंड करना है एंड देन वी रिपीट सेम थिंग पी से क्यू और क्यू से पी ये हम फाइंड करते रहेंगे अनटिल एंड अनलेस इनके जो क्यू की वैल्यूज जो सब्सिक्वेंट आ रही हैं उसमें कोई फर्क ना हो और पी की वैल्यू जो सब्सिक्वेंट आ रही हैं उसमें कोई फर्क ना हो तो वो वैल्यूज तो उस वक्त हम रुक जाएंगे एंड देन वी विल कंप्यूट री ऑर्डर पॉइंट एंड अदर स्टेटिस्टिक्स इसके अंदर री ऑर्डर पॉइंट उसी तरह कैलकुलेट किया जाएगा तो उस बेसिस के ऊपर हम इसको एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं uh, एग्ज़ाम्पल ये है अगेन सेम डेटा इज़ गिवन और इसके अंदर बैक ऑर्डरिंग कॉस्ट इज़ अलाउड तो उसके लिए हमारा जो पी का फार्मूला है वो डिफरेंट हो जाएगा वो हम यूज़ करेंगे बैक ऑर्डरिंग अलाउड के वाला फार्मूला और ये डेटा हमारे पास प्रानी एग्जाम्पल से गिवन है तो इसके अंदर हमने ऑप्टिमल क्यू एंड पी फाइंड करना है इसके अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर क्यू फाइंड करना है यू क्यू मॉडल से वो हमने यूज किया टू डी एस ओवर आई सी और उस बेसिस के ऊपर हमारे पास जो फिगर आई है वो अलेवन थाउजेंड एट यूनिट जो कि हमने पिछली बार जो किया था एग्जाम्पल उसके अंदर ये थी आर, क्यू यूज कर कर हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है विच इज़ वन माइनस क्यू आई सी ओवर डी के बिकॉज बैक ऑर्डरिंग अलाउड तो इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं डी के से सिर्फ अगर लॉस सेल्स होती तो फिर हमने डी के प्लस क्यू आई सी से डिवाइड करना था तो इस केस में जो वैल्यू आ रही है उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू सब्सिट्यूट करके फॉर्मूले में तो वो पॉइंट ए टू आ रही है नाउ वी गो बैक टू क्यू एंड वी फाइंड यूजिंग न्यू पी के रिवाइज क्यू क्या होगा तो उसके अंदर जो जेड की वैल्यू है क्योंकि जेड की वैल्यू हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो कॉस्ट ऑफ लॉस्ट सेल्स के बेसिस कैलकुलेशन के अंदर तो इट इज पॉइंट ए टू के अगेंस्ट अगर प्रॉबिलिटी पॉइंट ए टू है तो टेबल में अगर आप देखें तो Z की वैल्यू विल भी 0.92 नाइन टू और ये e लॉस जो है वैल्यू है वो टेबल मैंने बताया था उसके अंदर आप 0.92 नाइन टू जेड की वैल्यू है उसके अगेंस्ट अगर आप E की वैल्यू देखें तो ये आएगी आप जो हमने डिमांड मंथली डिमांड के स्टैंडर्ड डिविएशन हमने जो डिटरमिन किया था पहले दैट वाज थ्री सेवन नाइन फाइव यूनिट तो उसको हम यूज करेंगे और इसके अंदर ये फॉर्मूला आएगा टू डी मल्टीप्लाई बाय एस प्लस द लॉस कॉस्ट ऑफ लॉस सेल्स डिवाइडेड बाय आई और ये सारा स्क्वेयर रूट होगा तो इनकी वैल्यूज हमारे पास हैं तो इनको अगर हम सब्सटीट्यूट करें ये वैल्यूज तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो आ रही है वन टू एट सेवन टू यूनिट्स ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवनटी टू यूनिट नाउ इफ वी कंपेयर दिस विद द प्रीवियस नंबर दैट वाज एलेवन थाउजेंड एट यूनिट तो देर इज अ बिग डिफरेंस तो वी विल नॉट स्टॉप हियर सो वॉट वी विल डू इज वी विल रिकेल्कुलेट पी बेस्ड ऑन दिस क्वान्टिटी और उस बेसिस के ऊपर अगर हम करें की वैल्यू उसमें कैलकुलेट करें सेम फॉर्मूला लगाकर जो हमने पहले यूज किया है तो हमारे पास वैल्यू आ रही है पॉइंट सेवन नाइन नाउ बेस्ड ऑन दिस पॉइंट सेवन नाइन बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एट टू एंड पॉइंट सेवन नाइन तो हम अभी रुक नहीं सकते सो वी विल रिपीट दिस थिंग एंड कैलकुलेट हमारा जो क्यू की वैल्यू है और उस बेसिस के ऊपर हमारी क्यू आ रही है दैट इज़ इसको अगर हम रिवाइज़ करें तो थर्टीन थाउजेंड टू फोर्टी सिक्स यूनिट्स आ रहे हैं अगेन वी विल कीप ऑन रिवाइजिंग पी एंड क्यू अंटिल टेर इज़ नो सब्सटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज और इस जब आप ये फर्दर करते जाएंगे तो आप एंड जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आएगा कि प्रॉबिलिटी इन स्टॉक प्रोबिलिटी इज सेवेंटी एट परसेंट एंड द ऑप्टिमम क्वान्टिटी ऑर्डर क्वान्टिटी इज थर्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड नाइन्टी फाइव यूनिट्स सो अगर हम देखें कि हमने जो पहले यूज़ किया था फार्मूला उसके अंदर क्वान्टिटी वॉज अलेवन थाउजेंड एट यूनिट क्यों क्योंकि उसके अंदर इन स्टॉक प्रॉबिबिलिटी हमने uh, यूज़ की थी और उस वक्त हमें स्टॉक आउट कॉस्ट का नहीं पता था लेकिन अगर पता हो तो फिर हम ऑप्टिमम प्रोबेबिलिटी सर्विस लेवल एंड ऑप्टिमम क्वांटिटी हम डिटरमिन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इटरेटिव मेथड